तो ये अत्यंत जो प्राचीन स्थान है आप देख रहे हैं, श्री नारद तपस्थली एवं नारद वन, यहाँ अत्यंत प्राचीन तपस्थली देव ऋषि श्री नारद जी महाराज ने यहाँ पर आज से लगभग संवत 1955, ये बहुत लंबी संख्या से 88, और यहाँ ये दे रखा 1,95,58,85,107 वर्ष पूर्व तप किया था, यानी कि यही वाली जो संख्या है यहाँ पर लिखी हुई है, आज भी यहाँ नित्य विराजते हैं। यह पारस पीपल का वृक्ष है, इसकी परिक्रमा करने का बड़ा महत्व है, यहाँ कोई भी साधना करने पर शीघ्र सिद्ध होती है। तो ये वाला जो वृक्ष है, ये वृक्ष है पारस पीपल का, तो हम भी जो परिक्रमा कर लेते हैं, हमें भी जो कामयाबी मिले जल्दी से जल्दी। तो ये बहुत पुराना वृक्ष है, सारी की सारी जो जानकारी वहाँ पर रखी है, अगर आपने नहीं मतलब उसे तो पढ़ सकते हैं वीडियो में से भी। तो बहुत ही जो दिव्य स्थान है और दिव्य वृक्ष है, ये देखने में तो छोटा ही लग रहा है, ऊपर का भी जो बहुत शानदार यहाँ का नज़ारा है, दिखा दो चारों तरफ का, हर एकदम हरा भरा और शांत स्थान है, पीछे कुआं भी है छोटा सा, उधर की तरफ कुआं है। तो जो नारद कुंड का मुख्य स्थान जो यही है, यही जो नारद जी की मतलब तप स्थली है, यहीं पे उन्होंने तप किया था, और जो मुख्य स्थान यही है, और पीछे एक जो कुंड है जो नारद कुंड जी के नाम से नारद कुंड है। तो हम आगे चल रहे हैं थोड़े से इधर की तरफ को, आपको वो भी दिखा देते हैं। ये बराबर में एक यहाँ पर छोटा सा कुआं है, ये देख रहे हैं पानी वगैरह की व्यवस्था के लिए यहाँ पर। और यहाँ जो है कि जो इसे बहुत बढ़िया तरीके से पत्थर लगाया गया इसके ऊपर, काफी प्राचीन है, पीने के पानी के लिए है। तो ये जो सामने कुटिया सी बनी हुई, इसमें हर समय जो कीर्तन चलता रहता है, अभी भी चल रहा है यहाँ पे, और जो भी काम यहाँ पे हुआ वो बोर्ड वगैरह यहाँ लग रहे हैं। ये सामने जो आप पहला नज़ारा देख रहे हैं, ये जो नारद जी का कुंड है, इसका जो जीर्णोद्धार हो चुका है।